आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज हाउ मेनी डॉटर्स डज W हैव। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि W की कितनी डॉटर्स है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट है बी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ एम, कि बी और डी कौन है, एम की सिस्टर्स है। ओके, एम की सिस्टर्स हैं बी और डी। एम मेल है या फीमेल हमें नहीं पता, बट इसकी सिस्टर्स कौन है, सिस्टर्स हैं बी और डी। ठीक है, बी एंड डी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिस्टर। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है एम्स फादर टी इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। एम के जो फादर हैं टी, एम के जो फादर हैं कौन, टी एम के फादर, तो ये कौन हुए, टी मेल मेंबर हुए, एम के फादर हैं, इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, वो कौन है, डब्ल्यू के हस्बैंड है, तो ये फीमेल मेंबर हुई, इनकी वाइफ हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी डॉटर डज डब्ल्यू हैव। तो अभी हमें ये आंसर तो नहीं मिला कि डब्ल्यू की कितनी डॉटर्स हैं। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट इज आउट ऑफ थ्री चिल्ड्रन विच टी हैज ओनली वन इज अ बॉय। तो टी के जितने चिल्ड्रंस हैं उनमें से तीन चिल्ड्रन है टी के, और उनमें से सिर्फ एक लड़का है, ये हमें मेंशन है। अब देखो टी और डब्ल्यू हस्बैंड वाइफ हैं, अगर टी के तीन बच्चे हैं दैट मीन्स डब्ल्यू के भी तीन बच्चे हैं। अब ये तीन बच्चे में से क्या है कि एक जो है वो कौन है, मेल मेंबर है, बॉय है, बाकी की दो लड़कियां हैं। ठीक है, अब वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी डॉटर्स डज डब्ल्यू हैव, कि डब्ल्यू की कितनी डॉटर्स हैं। अब हमें पता है कि डब्ल्यू की दो डॉटर्स हैं और एक बॉय है। ठीक है, तीन बच्चे हैं बेसिकली, इसको हम मान लेते हैं कि बॉय है, अभी मान लेते हैं, हमें कंफर्म नहीं है। ओके, तो हमें तो बस ये आंसर करना है कि दो डॉटर्स हैं, कितनी डॉटर्स हैं, तो हमें ये पता चल गया इसकी दो डॉटर्स हैं, तो यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो हमें ये देखना है हमें अपना आंसर किससे मिला, एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि टी और डब्ल्यू क्या है, टी और डब्ल्यू हस्बैंड वाइफ है, ये हमें स्टेटमेंट सेकेंड से इंफॉर्मेशन मिली, और W की दो डॉटर्स हैं, एक बेटा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट थर्ड से मिली, यानी कि हमें अपना आंसर स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड से मिला। तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो पहला है दैट इज ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर रिक्वायर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और फर्स्ट से तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड हमें गिवन है ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, कि तीनों स्टेटमेंट की ज़रूरत है आंसर करने के लिए, नो हमें फर्स्ट की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट में हमें गिवन है ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।